सेहत है तो सब कुछ है। जाने माने साइंटिस्ट जिन्होंने हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया है। पिछले 40 सालों से आप नायाब जड़ी बूटियों को लेकर बहुत सारे प्रयोग करते रहे हैं। आपने अपने अथक प्रयासों से एक ऐसी रिसर्च को अंजाम दिया है जो लोगों को उनकी बीमारियों में राहत देने का कार्य कर रही है। आपकी ये रिसर्च गंभीर लाइलाज बीमारियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। आइए सुनते हैं इस रिसर्च के माध्यम से लोगों के राहत पाने की कहानी उनकी जबानी। मेरा नाम अजय शर्मा है, हम रतलाम एमपी से बिलोंग करते हैं। लास्ट टाइम जब हम यहाँ मुंबई आए थे तो मेरी मम्मी को ब्रेन में एक नॉट बताई थी। उस नॉट के कारण उनको डुअल विजन दिखने लग गया था, जिस कारण उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ट्रीटमेंट मिल नहीं पा रहा था। बहुत से ब्रेन ट्यूमर बता रहे थे, कुछ कैंसर बता रहे थे। और उसके बाद हमें मुनीर खान जी का पता चला। उसके बाद हम मुनीर खान जी के ऑफिस आए और यहाँ से हमने उसके दवाई के बारे में इन्फॉर्मेशन ली और फिर दवाई का हमने यहाँ पे सेवन करना स्टार्ट कर दिया। उसका सेवन करने का स्टार्ट से 2-3 डोज लेने के बाद ही हमारी मम्मी को फुल रिलीफ मिलने लग गया और हमारी मम्मी ठीक से होने लग गई। पूरी बोतल के ख़त्म होते होते हमारी मम्मी को पूरी तबीयत ठीक हो गई है। और आज रिपोर्ट्स उनकी चेकअप कराया तो जो नॉट बता रहे थे वो नॉट भी पूरी डिसॉल्व हो गई है। मुनीर खान जी के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सी अफवाह भी उड़ा रखी है, पर हमारे हिसाब से तो जिसको रिलीफ मिलता है उसी को फ़ायदा पता चलता है। तो जो लोग फ़ायदा लेना चाहते हैं, अपने रिलीफ लेना चाहते हैं, वो इनसे आके मिल सकते हैं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी मम्मी हम जगह जगह भटके, पूरा MP गुजरात सब जगह भटके, कहीं ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था उन्हें। और यहाँ आके केवल ये कि उनकी जो बॉडी रिवाइवल दवाई है उससे पूरा रिलीफ मिल गया और आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। मेरा नाम है अब्दुल गनी खान, नंदुरबार से हम आए हैं। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं नंदुरबार के हमारे डॉक्टर के यहाँ एडमिट हुआ। उसके बाद वहाँ से मुझे डॉक्टर ने रिपोर्ट लेके जलगांव भेजा। एंजियोप्लास्ट कर बोले अर्जेंट कराना ही पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हुआ। परेशान होने के बाद 2 लाख रुपया लग गया। 2 लाख रुपये लगने के बाद में मुझे 3 महीने तक मैं बहुत परेशान रहा। 6 से 9 तक तकलीफ रहने के बाद में इधर जाओ उधर जाओ, फिर बाद में हमारे गांव के डॉक्टर के पास बोला ये मेडिसिन चालू रखो आप, ये दवाई खाने ही पड़ेंगी मरे दम तक। मैं खाता रहा फिर भी तकलीफ होते रही। आखिरी तक मेरी कोई तकलीफ गई नहीं। हमारे घर के लोग बोले कि ऐसे क्या हो रहा है इनको इतना खर्चा करने के बाद भी। मैंने बोला अब क्या करें, उसके लिए अब मजबूर है, अभी जो भी ऊपर वाले को करना है। फिर उसके बाद में मैं TV खोला, TV में देखा प्रोग्राम कि मुनीर खान साहब का प्रोग्राम आ रहा था। और मैंने जैसे TV में प्रोग्राम देखा वैसे ही मैं सीधा यहाँ बॉम्बे आया। मुनीर खान साहब के डॉक्टर की टीम ने हमें कहा कि बॉडी रिवाल्वर लीजिए, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए हमने ये बॉडी रिवाल्वर लिए, मेरे लिए भी लिया और मेरी मिसेज के लिए भी लिया। इसलिए हमें बहुत बहुत फ़ायदा हुआ, इसलिए हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब के। फ़र्क पड़ने के बाद में मेरे साथ मेरे जितने रिश्तेदार थे उन्होंने सब ने वहाँ से दवा ली और उनको भी बहुत बहुत फ़र्क पड़ा। इसलिए मुनीर खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मालिक उनको हमेशा हमेशा के लिए अच्छा रखे। और मुनीर खान साहब की ही एक ही बोतल में मुझे 80 से 90% फ़र्क पड़ गया। इसलिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ मैं इनका, और अल्लाह और मालिक इनको अच्छा रखे। मेरा नाम सुनील छाजड़ है, मैं दमन का रहने वाला हूँ। मुझे एंकलाइजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस हुआ था तो मैंने बम्बई में बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ के एलोपैथी डॉक्टर ने बताया कि जो एंकलाइजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस है उसके ऊपर मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। आप अगर अमेरिका भी जाते हो तो भी आपका कोई इलाज नहीं होने वाला है। आपको ये अभी ये ज़िंदगी भर रहेगा और आपको हमेशा गोली खाना पड़ेगा। फिर मुझे चलना नहीं आता था, उठने का नहीं आता था, मैं बेड पे ही सोया था। 1 महीने से मैं बेड पे ही था। मैं बेड पे सोया था तो TV पे मैंने साइंटिस्ट मुनीर खान साहब का इंटरव्यू देखा तो उसमें बहुत सारे नाइलाज कैंसर वगैरह बीमारी अच्छी हो रही थी। तो मुझे हिम्मत आया और फिर मैंने दूसरे ही दिन वहाँ से स्पेशल गाड़ी किया, क्योंकि मुझे चलना घूमने आता नहीं था। मैं गाड़ी लेके साइंटिस्ट मुनीर खान के वहाँ पर पहुँचा और उनके डॉक्टर के टीम को मेरे सारे रिपोर्ट दिखाए तो उनके डॉक्टर के टीम ने बोला कि ये तो बीमारी आपका ठीक हो जाएगा। खान साहब के डॉक्टरों के टीम ने मुझे बॉडी रिवाइवल
लेने के लिए बोला और जब मैंने वो दवा लेने के बाद 15 दिन में मेरे को थोड़ा चलने जैसा चालू हो गया और बाद में 2 महीने का बाद तो मैं बहुत अच्छा चलने लगा और काफ़ी अकेला मैं कहीं जा नहीं सकता था तो मैं अभी कहीं भी अकेला जाता हूँ, अकेला ट्रैवल कर सकता हूँ, अपनी बैग खुद उठा के जा सकता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा नींद नहीं आता था, अभी नींद भी काफ़ी अच्छा आता है। खाने में जो तकलीफ था अभी काफ़ी भूख भी लगता है और खाना भी अच्छा होता है। तो मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मुझे 15 साल से मुझे एक्जिमा था, जो ये दवा लेने के बाद मेरा एक्जिमा एकदम से अच्छा हो गया, अभी बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे गर्मी रहता था शरीर में, अभी मेरे को बिल्कुल गर्मी भी नहीं रहता है, मेरा शरीर अभी काफ़ी अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। तो मेरे बहुत सारे जो पुराने बीमारी थी वो अपने आप अच्छी हो गई। मेरी तरह जो असाध्य बीमारी है उसका खान साहब की तरफ से इलाज हो रहा है और सब बहुत सारे लोग अच्छे हो रहे हैं, इसीलिए खान साहब को भगवान लंबी आयु दे ऐसे मैं आशा करता हूँ। बीमारी से क्या मतलब है? बीमार ठीक हो जाता है, जब बीमार ठीक हो जाता है तो बीमारियाँ अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। मेरा नाम मोहम्मद हारून मोहम्मद यूसुफ, मालेगांव शहर डिस्ट्रिक्ट नासिक से आया हूँ। हमारे भाई को किडनी का प्रॉब्लम था, पूरा घर एकदम परेशान था कि रहते हैं कि नहीं रहते, सुबह होगी कि नहीं होगी। रात रात भर हम लोग बेड पे बैठे रहते थे कि आँख बंद तो नहीं हो गई, एंड तो नहीं हो गए। हम लोग बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर संजय, उनसे मुलाकात किए, उन्होंने हमको बोला कि ट्रांसफ़र कर लो, तुमको फ़ायदा रहेगा। 18 लाख रुपए में उन्होंने बात की हम लोग ने, हम लोग बोले ठीक है, हम लोग पेमेंट जमा कर देते हैं। हमने टीवी पर, ई टीवी पर देखा साइंटिस्ट मुनीर खान का, हमने एड्रेस पूछते पूछते यहाँ पहुँचे और डॉक्टर साहब से 2 शीशी लिए हमने। पहले हफ्ते में, वीक में 2 डायलिसिस होता था, अभी 2 शीशी के बाद 1 डायलिसिस हफ्ते में हो गया है। कैटरीना पहले 11-12 था, अभी 5 और 6 पर आ गया है। जब से दवा चालू किए हैं, यानी 80-90% एकदम बेहतरीन फायदा हुआ है। पहले वो बेड पे थे, अभी बाकायदा बाइक चलाते हैं, जीना चढ़ते हैं तो दम भी नहीं भरती है, खाना भी खा रहे हैं। सब लोग पानी पीने का मना करते थे, इनकी दवा के बाद से माशाल्लाह अभी 1-2 लीटर रेगुलर पानी पी रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। इस तरह की तीसरी शीशी है ये। डॉक्टर साहब की, डॉक्टर मुनीर खान की दवा से माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है। अल्लाह उनको लंबी उम्र देवे और ऐसे लोग का फ़ायदा करें, उनके हाथ में शिफा है। लेकिन हम तो ट्रांसफ़र करने के चक्कर में थे, बॉम्बे हॉस्पिटल में बात भी कर लिए थे, लेकिन यहाँ के आने के बाद वो प्रोग्राम हमारा चेंज हो गया। मेरा नाम मुकुंद त्रिवेदी है और पिछले 25 सालों से मैं बॉम्बे में ज्योतिष का काम करता हूँ और सुबह से लेकर शाम तक मेरा काम है सिर्फ बोलना बोलना बोलना। और ये काम करते करते मैं इतना थक जाता था और अचानक कभी कभी घबराहट होने लगती थी, धड़कनें बढ़ जाती थी। कई डॉक्टरों को बताया, कई अस्पतालों में इलाज करवाया, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा काम थोड़ा बहुत लिखने का भी है, दिमागी काम है, और मैं जब हार गया तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मेरी धड़कनें बढ़ जाती थी जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था और मुझे काम करने की इच्छा नहीं होती थी। पिछले 8-10 सालों में मैंने अपने इलाज में लाखों रुपये खर्च किए और कोई भी कसर नहीं छोड़ी किसी भी डॉक्टर के पास, और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ठीक हो पाऊँगा। चलने में कमज़ोरी लग रही थी, काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी और मेरे इलाज पे इलाज, इलाज पे इलाज। और इस बीच मेरी मुलाकात मुनीर खान जी से हुई, वो मेरे दोस्त हैं, और जब उन्होंने मेरी शक्ल देखी तो पूछा क्या हो गया है। मैंने कहा मुझे मज़ा नहीं आ रहा है और मुझे लग रहा था जैसे मैं मुरझा सा गया। उन्होंने मुझे एक बार देखा और फिर अंदर गए और एक दवा लेके आए और मुझे बोला मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो उन्होंने मेरे मुंह में थोड़ी दवा डाल दी, मैं समझ नहीं सका। लेकिन जब मैं घर लौटा उन्होंने कहा ये शीशी अपने पास रखो, और उस दिन मैंने उनकी दवा शुरू की। और इस बात को मुझे 5-6 साल हो गए, मुझे पता नहीं कि मुझ में क्या फ़र्क आया, लेकिन देखने वाले लोग मुझे कहने लगे
कि आप तो फिर से किसी फूल की तरह खिलने लगे हैं, चेहरे पे वही ताजगी आने लगी और मैं तंदुरुस्त होने लगा। दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी और मैं सुबह से लेकर शाम तक खूब काम करता हूँ। आज आपके सामने खड़ा हूँ, लोगों के साथ काम करता हूँ, लोग मेरी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं देखने वाले कि बहुत फ़र्क आ गया है आप में। पहले जैसा आप कमज़ोर लगते थे, 4 साल में बहुत तब्दीली आ गई है और मैं खुश हूँ और दिल से दुआ देता हूँ। खान साहब ने जो दवा इजाद किए हैं उससे कई लोग ठीक हुए हैं ये मैं सुनता रहा, लेकिन मैंने आँखों से देखा जो मेरे पास आते रहे और मुझे पूछने लगे कि मुनीर खान कहाँ हैं, मेरे को कैंसर हो गया है, कोई कहता है मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, और उनका ऑपरेशन मैंने टलते हुए देखा, लोग कोमा में हैं और उनको दवा दी गई और वो उठ के खड़े हो गए। इतने बड़े शख्सियत का जिन्होंने हज़ारों लाखों लोगों का इलाज किया हो और बड़े बड़े डॉक्टरों से बचाया हो मरीज़ों को, और जो कहीं जिसका इलाज नहीं होता वो यहाँ आते हैं, ऐसे आदमी को तो राज के सम्मान मिलना चाहिए, उनको उनका सम्मान होना चाहिए और उनको कोई बड़ा पारितोषक मिलना चाहिए और उनका देश में नहीं पूरे विश्व में उनका नाम हो, शोहरत मिले। डॉक्टर मुनीर खान ने हज़ारों लाखों लाइलाज बीमारियों का इलाज किया है और मैं चाहूँगा कि भगवान उनको लंबी उम्र दे ताकि वो और लोगों को भी अच्छा कर सके, और इस पृथ्वी पर, इस धरती पर ऐसे लोग हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों में एक होते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं भेंगी बाजार से आया हूँ। मेरी माँ को पेट में कैंसर था, हम उसको डॉक्टर साहब के पास लेके गए। डॉक्टर, पहले तो हमको पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं, बस उस बिस्तर पकड़ ली थी, खाना वाना कुछ खाती नहीं थी। तो हमने उसको डॉक्टर को बताया, जो हमारी फैमिली डॉक्टर है उसको बताया, तो उन्होंने बोले आप पहले सीटी स्कैन निकाल लो, सीटी स्कैन निकालने के बाद में मेरे पास लाओ, मैं बताऊँगा आपको क्या है क्या नहीं। और सीटी स्कैन निकालने के बाद में उसके पास गए तो उसने बोला कि तुम्हारी माँ को पेट में कैंसर है और उसका इलाज करने के लिए आपको कम से कम, पहले वो ऐसी जगह पे है कि पीते के पास है, और पीते के पास है तो उसको पहले तो एडमिट करके जो मुँह में से तार डाल के थोड़ा साइड पे लेना पड़ेगा, साइड पे लेने के बाद में ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोले उसके लिए आपको 2.5 लाख रुपया खर्चा आएगा, और भी हम आपको गारंटी नहीं दे रहे। हम भाइयों ने फिर मिलकर सलाह मशवरा किया तो मेरे एक भाई के दोस्त ने बताया कि देखो आप साइंटिस्ट मुनीर खान करके है वर्सोवा के अंदर, वहाँ आप जाओ उनको बताओ। तो मेरे भाई ने फिर मेरे को भेजा कि जा तू मम्मी को लेके जा और वहाँ जाके बता। तो साइंटिस्ट मुनीर खान के बाद हम लोग वर्सोवा गए तो उनके डॉक्टरों ने कहा कि आप बॉडी रिवर लीजिए, और उसके बाद में हमने एक बॉटल उनसे दवा ली। उसके बाद में मेरी मम्मी को 10-12 दिन के बाद में पिला रहे थे, उसके बाद में थोड़ी अच्छी होने लगी, चलने फिरने लगी। अब मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, खाती पीती भी है, घर में खाना बनाती भी है, सब कुछ करती है, चलती फिरती भी है, और अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं अब अपने दिल से साइंटिस्ट मुनीर खान साहब का बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बीमारी से क्या मतलब है, बीमार ठीक हो जाता है, जब बीमार ठीक हो जाता है तो बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। मेरा नाम पठान ताज मोहम्मद है, मैं यहाँ पर मुनीर खान साहब के पास से दवा लेने के लिए आया हूँ। मेरी बीवी की उम्र 64 है, उनको 2004 में कैंसर की शिकायत थी। बहुत सारे हॉस्पिटल में घूमकर मुझे किसी ने एक एड्रेस दिया यहाँ का, और उसके मुताबिक पूना से मैं यहाँ पर आया हूँ 2004 में। वहाँ से दवा शुरू किया, तकरीबन 9 बोतल लिया मैंने, और उसके बाद बहुत आराम हुआ। अब आज के रोज़ मैं वापस यहाँ पर आया हूँ। बीवी को तकलीफ है, थोड़ा दम का अस्थमा हुआ है, कफ वगैरह छाती में है। वापस सोचा हूँ कि आमिर खान साहब के पास से बॉडी रिवाइवल बोतल ले जाऊँ। मेरा नाम आर्यन पाल है, मैं कांदीवली चारकोप में रहता हूँ। मेरी आंटी श्रीमती शारदा सिंह जो लखनऊ में रहती हैं, अक्सर उनका फ़ोन आता था कि बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, और बहुत परेशान रहती थी। उनको ब्रेस्ट में गांठ थी, उस गांठ की वजह से इतनी परेशानी थी कि मेरा भी फ़ोन में बहुत पैसा जाता था कि यहाँ से मैं क्या कर सकता था। और वो मेडिकल कॉलेज में जाके उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, वो डॉक्टर साहब बोले कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो आंटी ने पूछा लगभग कितना खर्चा आएगा, उन्होंने बताया कि 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा आएगा। उसके बाद कीमो कराना पड़ेगा जिससे आपके सर के बाल भी गायब हो सकते हैं। तो आंटी बहुत डर गई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बेटा मैं क्या करूँ। उस समय मैं अक्सर लेट नाइट सोता था, रात को टीवी देख रहा था, एक दिन साइंटिस्ट मुनीर खान साहब का प्रोग्राम देख रहा था,
तो उसमें मुझे पता चला कि लाइलाज बीमारियों का यहाँ पे इलाज होता है। तो मैंने आंटी को फ़ोन किया, आंटी आप बॉम्बे आ जाइए, मैं आपको यहाँ पे दिखवा देता हूँ। आंटी बॉम्बे आ गई, फिर मैं डॉक्टर मुनीर खान साहब के पास पूरी रिपोर्ट के साथ मैं लेके गया। तो डॉक्टर साइंटिस्ट मुनीर खान साहब की पूरी टीम ने, डॉक्टर की टीम ने पूरी रिपोर्ट देखी, और देखने के बाद साइंटिस्ट मुनीर खान साहब से उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो साइंटिस्ट मुनीर खान साहब ने डायरेक्ट हम लोगों से बताया कि चिंता करने की कोई बात नहीं, आप लोग ठीक हो जाओगे, आपको दवा लेना पड़ेगा और थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। और आंटी ने दवा लिया, एक उनको बहुत पेन भी होता था उसके दौरान। फिर आंटी ने जब दो दिन दवा लिया तो उनका पेन एकदम धीरे धीरे रुक गया। फिर आंटी मेरे पास एक हफ्ता रह के गई, तो एक हफ्ता में एक दिन भी पेन नहीं हुआ। इस दौरान वो एकदम ऐसा महसूस कर रही थी कि एकदम ठीक हो गई हैं। फिर वो लखनऊ चली गई, मैं दवा यहाँ से लगातार भेजता रहा, चार बोतल हमने दवा ली और वो अभी 100% एकदम ठीक है। अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके घुटने वगैरह में दर्द था वो भी ठीक। साइंटिस्ट मुनीर खान साहब ने जो करिश्मा किया है वो वाकई बहुत काबिले तारीफ है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये रिवाइवल, बॉडी रिवाइवल इसका नाम नहीं, मैं डॉक्टर साहब को ये भी कहूँगा इसका नाम संजीवनी बूटी रख दे। कोई हेल्दी आदमी भी इस दवा को पी के और भी हेल्दी और स्वस्थ रह सकता है। आज से हजारों साल पहले नास्ट्रोडामस ने भविष्यवाणी की थी, दुनिया में एक ऐसा मसीहा आएगा जो पेशे से न डॉक्टर होगा, न वैद्य होगा, न हकीम होगा, और वो ऐसी असाध्य बीमारियों का इलाज करेगा जिससे ये सारी दुनिया को चमत्कार लगेगा। अब मुझे यकीन हो गया है कि नास्ट्रोडामस की भविष्यवाणी 100% सही है। वो साइंटिस्ट डॉक्टर मुनीर खान साहब हैं जो ऐसी असाध्य बीमारियों का इलाज करते हैं, ना कोई ऑपरेशन, ना कोई चीड़ फाड़, आदमी मीठी दवा पी के सही हो जाता है। साइंटिस्ट मुनीर खान साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ कि वो जिए हजारों साल। I am Dr. Safi M. Kazi. I did my MBBS. I want to speak regarding my mother, Mrs. Akhtari Kazi. She had undergone nephrectomy of right kidney 36 years back. Since few years she had chronic renal failure, and last year she had developed aortic stenosis. Because of that, actually, we have to admit her in ICU in Thane Hospital. There I got her admitted thrice, and she was quite breathless that time. I was advised wall replacement for her, but it was quite risky operation, because she might have gone under into coma. I met scientist Munir Khan's personal doctors, then I showed them about the report of my mother. Then I personally met scientist Munir Khan. He assured me that your mother will be much better. And I started body revival for my mother, and within 3-4 doses she was quite fine. Initially she used to have breathlessness on lying down or walking down. Then finally nowadays actually she is quite happy. I took her even to Mahabaleshwar and Pune after seeking advice from scientist Munir Khan, and she can walk to the bathroom, to the toilet, and she is much comfortable nowadays. And I was a bit assured actually by scientist Munir Khan, and I am very comfortable. I had recommended many patients to scientist Munir Khan. Those patients who are afraid to undergo wall replacement or bypass surgery can easily go for a body revival. मम्मी को इनकी दवाई लेने से काफ़ी फ़ायदा हो गया। मैं खान साहब के लिए दुआ करूँगा अल्लाह से कि अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और उनके हाथ में शिफा दे और काफ़ी लोगों को उनसे फ़ायदा हो जाए। नेचर हमारे लिए वरदान है। नेचर में व्याप्त हैं ऐसी जड़ी बूटियाँ जो हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान ने भी नेचर को स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप भी इस रिसर्च से लाभ लेना चाहते हैं या अपनी किसी समस्या के बारे में साइंटिस्ट मुनीर खान से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम रफीक बेग है, मैं सांता क्रूज में रहता हूँ। मेरे फादर को जब कैंसर की शिकायत हुई तो उनको मैंने सांता क्रूज ईस्ट में हॉस्पिटल में जाके एडमिट किया। वहाँ के डॉक्टरों ने पूरा उनका ट्रीटमेंट किए और वैप्सी चेकअप के लिए हमें कहा, तो हमने बोले ठीक है आप वैप्सी चेकअप करा सकते। तो उन्होंने वैप्सी चेकअप के लिए हमको एक हफ्ते के लिए एडमिट किया और हमारी रिपोर्ट एक हफ्ते के बाद में आई, तो उसमें ऐसा मालूम पड़ा है डॉक्टर को कि इसमें एक कैंसर की गांठ है, वो गांठ थी टॉयलेट की जगह पर। तो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, 40,000 रुपये खर्चा आएगा, और एक महीने के अंदर आप ऑपरेशन नहीं करते
तो इनको इनका बाईपास संडास कराना पड़ेगा। तो मैंने इससे पहले एक महीना पहले मेरे जिया जी को साइंटिस्ट मुनीर खान की दवा दिलाया था, तो मैंने मेरे घर वालों से कहा कि अपने को ऑपरेशन नहीं कराने का है और अपन साइंटिस्ट मुनीर खान साहब की दवा चालू करेंगे। हम साइंटिस्ट मुनीर खान के साहब के हॉस्पिटल में गए और उनके डॉक्टरों की टीम से मुलाकात की और सारी रिपोर्ट उनको बताई और उन्होंने कहा कि आप ये बॉडी रिवॉल्व दवा लो और चालू करो। जब हमने मेडिसिन लाए और मेरे फादर को पहला डोज दिए तो मेरे फादर बोले कि मेरे को ऐसा भी कुछ हो रहा, अच्छा लग रहा थोड़ा। फिर दूसरा डोज दिए, फिर तीसरा डोज दिए, उन्होंने ऐसी दवा डोज लेते रहे दो दो दिन छोड़ के, तो उनको ऐसा लगा कि एकदम मैं फिट हूँ। हम लोग पाँचवें माले पर रहते हैं और बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर पर मस्जिद है, तो ऊपर से लिफ्ट के अंदर बैठ के ना मस्जिद में जाने की उनमें ताकत नहीं थी। इस दवा के खाने के बाद उनके बदन में इतनी तंदुरुस्ती आई है और इतनी ताकत आई है कि वो अभी सीढ़ी चढ़ के अपनी नमाज को पढ़ने के लिए वो मस्जिद में जाते। अभी वो एकदम तंदुरुस्त हो गए इस दवा से और अभी अच्छे से चल रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे और अभी बीमारी कम से कम 70% बीमारी दो बॉटल के अंदर ख़त्म हो गई है। साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने ये दवा निकाली है और लोगों को राहत मिली है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको अल्लाह ताला एकदम लंबी उम्र देवे और उनके हाथ में और शिफा देवे ताकि और अच्छे और लोग ज़्यादा अच्छे हो इनके ज़रिए से। सुहास शरद भाव सर, रहने को मैं चालीसगांव हूँ, डिस्ट्रिक्ट जलगांव। मेरे वाइफ को प्रॉब्लम था वाल का, जो सीढ़ी चढ़ने में भी ना बहुत तकलीफ़ होती थी। मुझे ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने कि वाल बदलना पड़ेगा वह, लेकिन मैंने बोला कोई आयुर्वेदिक ही ढूंढेंगे, तो मुझे मुनीर खान साहब का पता मिल गया तो मैं इधर आ गया। पहले एक बॉटल लिया और तीन दिन के बाद एक डोज चालू किया था, तो उसके बाद मैं दूसरी बॉटल लिया, रिलीफ मिलने लग गया, उसके बाद तीसरे, तो अभी बहुत रिलीफ है। मैं उसके वजह से उसको यानी बच्चे भी नहीं पैदा कर रहा था, तो अभी एक बच्ची है 10 महीने की, डिलीवरी अच्छी हो गई। क्योंकि डॉक्टर ने उस टाइम भी बोला था कि भाई दोनों में से कोई तो भी एक ही बचने वाला है तुम्हारे, या तो वाइफ बचेंगे या तो लड़की बच्चे बचेगा। लेकिन मैं बाद में एक महीने 8 महीने का गर्भ था तब वापस मुनीर खान के तरफ आया, साहब के तरफ, तो बॉटल लिया, तो डॉक्टर ने बोला अभी नॉर्मल डिलीवरी होंगी, लेकिन नॉर्मल तो नहीं हुई, सीजर हुई, लेकिन दोनों बच गए। ऐसा उसको बाद में फिर बोन का कैंसर ऐसा डिटेक्ट हो गया था थोड़ा सा, तो उसके लिए भी एक बॉटल लिया, तो वो भी अभी क्लियर हो गया है। लेकिन बहुत वाल के अंदर तो बहुत आराम है उसको, वाल जो प्रॉब्लम बोला है डॉक्टर ने कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो अभी तो कुछ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर को मैं हर बार चेक करता हूँ तो कुछ टेंशन नहीं आता है। बाहर तो बहुत पैसे खर्च हो जाते, यानी कुछ भी टेस्ट करने गए तो 5-6 हज़ार 10 हज़ार तो लगने ही वाले रहते, लेकिन अभी ये बॉटल की लेने से रिलीफ मिल गया, सब हो गया, इसलिए मुनीर खान साहब को मैं भगवान जैसे ही मानता हूँ। गॉड गिफ्ट, अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है, पेशेंट तो ठीक हो जाता है ना, और दिस इज माई प्राउड प्रोजेक्ट, मेरे लिए फख्र की बात है कि अगर ये गॉड गिफ्ट है तो कि सारी दुनिया के 700 करोड़ लोगों में नेचर ने ये गिफ्ट मेरे को दिया, पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए। मेरा नाम नीलोफर सैयद है, मैं पूना से आई हूँ। मुझे हाई बीपी, थायराइड, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था, बहुत इलाज किया लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने एक दिन टीवी में साइंटिस्ट मुनीर खान का इंटरव्यू देखा और उनसे यहाँ पर आकर मिली। उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखकर कहा आप बॉडी रिवाइव का इस्तेमाल करिए, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने वो इस्तेमाल किया और मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और मैं ये चाहती हूँ कि सब लोगों से क्या आप भी अपनी तकलीफ़ यहाँ पर आकर बताएं और इनका इलाज कराएं, बहुत अच्छी दवा है। खान साहब की दवा से मुझे किडनी स्टोन भी निकल गया है और थायराइड में भी ज़्यादा फ़र्क आ गया है, अच्छा लग रहा है अभी। और हाई ब्लड प्रेशर जो मेरा था वो भी नॉर्मल हो गया है और मुझे अच्छा मीन्स अच्छा लग रहा है, आराम पड़ रहा है मुझे। मेरी पास 6 साल की जो बीमारी थी उसमें सब आराम पड़ गया है। और मैं अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ कि वह हमारे लिए फरिश्ते की तरह बहुत सारे लोगों को उनसे फ़ायदा हो और उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। मेरा नाम गजाला है, मैं चकाला से आई हूँ, अंधेरी ईस्ट। मेरी बेटी
समीरा को, उसको जो है इतनी तकलीफ थी हाइपोथायराइड से कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो सूजन पूरी आ गई थी चेहरे पर और हाथ पैर नहीं हिलता था। तो डॉक्टर को जब वहाँ दिखाया तो उन्होंने कहा जिंदगी भर दवा खानी होगी शारजा में। उसने मुनीर खान का प्रोग्राम देखा टीवी पर, तो दवा मंगाया, दो डोज खाया उसने और उसी में एकदम एक्टिव हो गई। और फिर एक बोतल पिया, फिर उसके बाद टेस्ट कराया और बिल्कुल नॉर्मल आया उसका। और यहाँ तक कि वो डॉक्टर ने देखा तो उनको तजुब हुआ कि अरे कैसे नॉर्मल हो गया, ये तो ज़िंदगी भर दवा खाने वाली बात थी। और यहाँ आके उसने फिर मुनीर खान से मिली और बात किया और बहुत लोगों को बताया और कितने लोग जैसे अब उसका ले रहे हैं दवा उसके और भी लोग पहचान के। तो इतना ज़्यादा उसका असर हुआ, उसका हाइपोथायराइड की वजह से उसके सूजन चेहरे पर आ गई थी और हाथ पैर बिल्कुल बेजान हो गया था। कुछ काम करने का दिल नहीं होता, तो सुस्ती थी, चिड़चिड़ाहट थी। और दो डोज लेते ही उसको बिल्कुल आराम हो गया, उसको एक्टिव हो गई, उसको अंदर से उसको ऐसा लगा कि बहुत जादू की तरह उसको असर किया। फिर उसके बाद पूरी बोतल पीने के बाद उसने टेस्ट कराया, नॉर्मल आया। हमको इस दवा पर इतना भरोसा हो गया है कि हम तो हर आदमी को बताएंगे जो नाउमीद हो जाए या जिसको परेशान है इलाज से, हम तो ये कहेंगे कि ज़रूर ये दवा पी के आदमाएँ। खान साहब के हाथ में शफा है, अल्लाह पाक उनको सेहत दें, लंबी ज़िंदगी दें। फिर उजाला आएगा तो अंधेरा अपने आप ही चला जाएगा। दवाई से बीमार ठीक होता है, बीमारियों से मेरे को कोई लेन देन नहीं है। जब बीमार ठीक होगा तो बीमारियाँ अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। मैं अनिल कुमार गुप्ता कोंडी गौतम नगर में रहता हूँ। ये हमको 5 साल से सांस की और सर्दी की शिकायत थी, बहुत जगह इलाज करवाया कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बॉडी रिवाइल दवा लेने के बाद बहुत आराम मिला, 75% एकदम आराम है। पहली बार दवा पिया थोड़ा आराम मिला, फिर वापस वो पूरा करने के बाद दूसरा डोज भी लिया, उससे बहुत आराम मिला, 75% हमारी तकलीफ दूर हो गई। हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि बेगर सुई बेगर चीर फाड़ का उनका दवा इतना फ़ायदेमंद है। मैं श्री वीरेन कुमार गुप्ता, मेरी उम्र 44 बरस है, मैं कुरला से आया हूँ। मुझे आज के 4 बरस पहले डायबिटीज की बीमारी थी तथा मेरा शारीरिक बहुत तकलीफ कष्ट था। हाँ, मैंने जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ ली 2 डॉक्टरों से, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उससे मुझे तकलीफें और बढ़ती ही जा रही थी। शारीरिक तकलीफ, मेंस पावर, इन सबों का बहुत प्रॉब्लम हो गया था। मैं 4 कदम चल नहीं पाता था, हमेशा दिन में घर में हमेशा सोया ही रहता था, बेचैनी हमेशा महसूस करता था। मैंने टीवी पे साइंटिस्ट मुनीर खान साहब का इंटरव्यू देखा जिसमें मुझे एक प्रेरणा मिली। मैं खान साहब के पास जब आया तो वहाँ उनके डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी कि आप कायाकल्प लीजिए। मैं वो कायाकल्प एक बॉटल लेने से मुझे काफ़ी राहत और मुझे ताकत महसूस हुआ। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से मेरी बीमारी दूर हुई है उस तरह से खान साहब और अनेक लोगों की बीमारियाँ दूर करें और उनको उन लोगों का आशीर्वाद लगे। नेचर हमारे लिए वरदान है। नेचर में व्याप्त हैं ऐसी जड़ी बूटियाँ जो हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। साइंटिस्ट मुनीर खान ने भी नेचर को स्वास्थ्य लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप भी इस रिसर्च से लाभ लेना चाहते हैं या अपनी किसी समस्या के बारे में साइंटिस्ट मुनीर खान से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं साइंटिस्ट मुनीर खान, एक्सीलेंसी, प्रीमाइसेस नंबर 4, SP पटेल नगर, महाडा लेआउट, अपोजिट वर्सोवा MTNL टेलीफोन एक्सचेंज, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। Like, share, subscribe for more such informative videos.